हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाँच मिनट भूनना है। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच शुगर। पनीर मखनी हल्का मीठा होता है इसलिए शुगर ऐड करना है इसमें। अगर आपको नहीं करना है तो नहीं भी ऐड कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अब इसको थोड़ा भूनेंगे मसालों को। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच नमक, 1 टीस्पून नमक ऐड करके इसको मिक्स करना है। अब इसमें ऐड करेंगे एक ग्लास पानी, एक से डेढ़ ग्लास पानी आप ऐड कर सकते हो इसमें। पानी ऐड करके इसको ढककर 10 मिनट तक इसको पकाना है, अच्छे से टमाटर गलने तक इसको 10 मिनट तक पकाना है ढककर। देखो मसाला पक रहा है, हम लोग राइस का प्रिपरेशन करते हैं। एक टोप में 2 लीटर पानी बॉईल करने रखना है, उसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 नींबू के स्लाइस, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1/2 कप हरी धनिया, कटी हुई हरी धनिया और पुदीना। एक चम्मच ऑयल, 1 चम्मच नमक। अब इसको एक उबाल आने तक पकाना है। पानी बॉईल हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे हम लोग चावल। चावल को मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो के रखी थी। बासमती राइस 2 कप। चावल को पूरा नहीं बॉईल करना है, 3/4 ही पकाना है चावल को। अभी हमारा 3/4 राइस हो गया है, इस तरीके से चेक करना है, इतना पकना चाहिए चावल, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसको एक छन्नी में छान लेना है।
अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पनीर में। इसको भी मिक्स कर लेना अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अभी एक टोप लेना है जिसमें हम लोगों पनीर का परत लगानी है। उसमें टोप में नीचे घी लगाना है। घी को अच्छे से स्प्रेड करना है। अब इसमें ऐड करेंगे पनीर मखनी का मसाला। मसाले को अच्छे से स्प्रेड करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू विजिट है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करें ना जाए। अब इसमें ऐड करेंगे बरिस्ता, फ्राई ऑनियन, कटी हुई हरी धनिया और पुदीना। अब इसमें ऐड करेंगे राइस। राइस को अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है। अब इसमें ऐड करेंगे ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान का पानी। आप कलर भी ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ज़ाफ़रान ही ऐड करना है, बट ज़ाफ़रान का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। अब इसमें ऐड करेंगे बरिस्ता, कटी हुई हरी धनिया और पुदीना। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। अब इसको दम करने रखना है। ये आटे को इस तरीके से लगाना है। आप इसको गीले कपड़े से भी इसके ढक्कन को ढक कर दम कर सकते हो। ये मैं फर्स्ट टाइम, मैं भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने सोचा ये टाइम इसको इस तरीके से दम करके देखूं। तो आप इसको गीले कपड़े से इसके ढक्कन को ढक कर दम करने रख सकते हो। इसको 15 से 20 मिनट तक एक फ्राई पैन को पहले ही गरम करने रखना है, मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करने के लिए। अब इसके ऊपर टोप, बिरयानी का टोप रखना है और इसको 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ऊपर भाप आने तक। ये आप देख सकते हो इस पर भाप आ गई है। अब इसको खोल कर चेक करना है। हमारी बिरयानी पक चुकी है। अब इसको कोयले का धुआं देना है। इसके लिए एक फॉइल को ऐसे कटोरी जैसा बना के रखना है बीच में, उसमें गरम कोयला डालना है। अब इसमें 1 चम्मच घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हो इस तरीके से। अब इसमें से स्मोक निकलने लगे तो उसको ढक देना है। इसको ढक कर रखना है 5 मिनट तक, तो उसका सारा स्मोक बिरयानी में आ जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखो हमारी बिरयानी रेडी है।